सभी बच्चों का मैं आर एन एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको परसेंटेज का क्वेश्चन बताएंगे और कैसे आप सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। बच्चे, आप मेरे वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, देखेंगे बच्चों इसमें क्वेश्चन में क्या दिया, कैसे आप साफ करेंगे। पहले बच्चों, मैं आपको बताएंगे कि सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस क्या होता है। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, जब कोई वस्तु को आप जब बेचते हैं, मान लीजिए कि 150 रुपीज में बेचते हैं, तो वह हमारा सेलिंग प्राइस होता है जो हम लोग खरीदते हैं, और वह हमारा कास्ट प्राइस होता है। कोई भी वस्तु को जो हम लोग खरीदते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कास्ट प्राइस, उसी को हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य, और जो बेचते हैं उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट में क्या होता है, प्रॉफिट यदि आपको निकालना हो तो क्या होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। लाभ क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो इसको होते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। और यदि हमें लॉस पूछा जा रहा है, लॉस, तो लॉस इक्वल टू क्या होता है, लॉस का मतलब होता है हानि। हानि क्या होती है, हानि जो होती है आपका कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यदि हमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाए तो क्या होगा, प्रॉफिट यदि आपको परसेंटेज पूछा जाए तो क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट इनटू 100 अपान क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस हो जाएगा। और यदि लास्ट परसेंटेज पूछा जाए तो क्या होगा, लास्ट परसेंटेज पूछा जाए तो होगा लास्ट इनटू 100 अपान कास्ट प्राइस होगा। अब हमसे क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, बच्चों देखिए, जब आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे हल करना होगा, इसे निकालना होगा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे आपको दे दिया गया कि यदि सेलिंग प्राइस यदि आपको दिया गया 190 रुपीज है, और अब हमें जो है लॉस हो रहा है, लॉस यदि 5% का लॉस हो रहा है, तो आपको फाइन करना है, देन फाइन कास्ट प्राइस, आपको फाइन करना है, क्या है, कास्ट प्राइस फाइन करना है, तो क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब इस प्रकार से क्वेश्चन देता है तो हमारा फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है सेलिंग कास्ट प्राइस निकालने का, कास्ट प्राइस इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपान सेलिंग 100, और ये होता है 100 प्लस, यदि हमें लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज लिख देंगे। अब इसी पे हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो कर दीजिए, तो देखेंगे सेलिंग प्राइस हमारा क्या दिया है, 190 रुपीज दिया गया है, और हमें क्या दिया है, 100 हो जाएगा। अब इसके बाद से हमें 100 माइनस लॉस है, तो 100 लॉस परसेंटेज क्या दिया है, 5, तो इसमें से 5 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा, यहां पे देख लेंगे 190, क्या हमको क्या निकाल रहे हैं, हम कास्ट प्राइस निकाल रहे हैं, यहां पे क्या निकाल रहे हैं, हम कास्ट प्राइस, तो कास्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये होगा 190 इंटू 100 अपान क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा, 95 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये 2 बार जाएगा, तो इस तरह से हमारा कास्ट प्राइस कितना जाएगा, 100 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 रुपीज आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने बच्चों, यदि आपको इसी तरह से यदि आपको निकालना हो कास्ट प्राइस निकाल सेलिंग प्राइस निकालना हो, तो बस आपको क्या करना है, देखेंगे यहां से, यदि आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये होगा यदि हमको सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है और हमें लॉस दिया जाए, तब हमको क्या होगा कि ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे,
तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 माइनस लास्ट परसेंटेज, ये हो जाएगा लास्ट परसेंटेज और इनटू कास्ट प्राइस और बटे में 100 हो जाएगा यदि आपको सेलिंग प्राइस पूछा जाता है तो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि कास्ट प्राइस में आपका कास्ट प्राइस का 5% निकाल लेंगे, नहीं, कास्ट प्राइस को 5% नहीं निकालना है। बस आपको ध्यान देना है कि इसमें जो लॉस हो रहा है 5%, तो उसमें से 100 में से -5 घटा देंगे। तो इस प्रकार के मैंने बच्चों आपको ये क्वेश्चन बताया है। तो इस प्रकार के टिप्स के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। और बच्चों, कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको आती है तो मुझे आप कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। और जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको इसी प्रकार से अच्छा से अच्छा टॉपिक्स पे हमेशा आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिएगा। तो मैं बच्चों आपको इसी प्रकार से अच्छा टॉपिक्स पर हमेशा आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। बच्चों, आप लोग वीडियो तो पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको इसी प्रकार से अच्छा टॉपिक्स पे वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। तो गुड नाइट, थैंक यू फॉर वीडियो।